कहाँ मिटी चिंता? जिंदगी में जब आपकी डिजायर्स खत्म हो जाती है ना, अब जैसे मुझे भी एक चिंता है, मैं चाहता हूँ कि 10 करोड़ लोग ओटीटी भारत से जुड़े, ये मेरी चाह है, उससे चिंता होती है। आज से चिंता खत्म करते हैं, जितने होंगे बहुत है। ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत एक धर्म है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे फैलाओ और कट्टरता के साथ में फैलाओ कि नहीं यही सच है। दादी ठोक के एक फकीर थे जापान में, नंगे रहते थे, सब कुछ त्याग दिया, कुत्ते के साथ में रहते। राजा एक बार उसके पास में गए, उसके पास में देखा तो पूरा नंगा शरीर के ऊपर, कोई वस्त्र नहीं, आसपास कुछ सामान कुछ नहीं, एक बर्तन और साथ में तो मेरे पास में बर्तन है, तभी मैं दुख, तब से मैंने कुत्ते को अपना गुरु मान लिया, जिसके पास में कुछ नहीं होता राजा है। अब मैं सोच रहा हूँ उस बर्तन को भी फेंक, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, सिर्फ बात नहीं है, एक तरीका है आपके समय को बचाने, जिस समय में और कर्म किया जा सकता है उसको बचाने का तरीका। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवा, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे शाहन के शाह। चाह मिटी चिंता मिटी, चाह मिटी चिंता मिटी। जिंदगी में जब आपकी डिजायर्स खत्म हो जाती है ना, अब जैसे मुझे भी एक चिंता है, मैं चाहता हूँ कि 10 करोड़ लोग ओटीटी भारत से जुड़े, ये मेरी चाह है, उसे चिंता होती है, आज से चिंता खत्म करते हैं, जितने होंगे बहुत है। लेकिन हमें देखो, ये धर्म है, ये धर्म है, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत तो धर्म है, और धर्म को जब तक फैलाओगे नहीं, नहीं फैलेगा ना दोस्त, आप इसके प्रचारक हो, प्रचारक ही धर्म को नहीं फैलाएंगे, दुनिया कैसे जानेंगी। विवेकानंद की सब तारीफ करते हैं, हिंदू धर्म के लिए वो गए शिकागो सम्मेलन में जाके बोला, धर्म के बारे में बात होनी चाहिए ना। ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत एक धर्म है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे फैलाओ और कट्टरता के साथ में फैलाओ कि नहीं यही सच है। दाती ठोक के चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो राजाओं के राजा हैं, वो राजाओं के राजा हैं। एक फकीर थे जापान में, नंगे रहते थे, सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ, कुत्ते के साथ में रहते थे, वहां का राजा उनसे बहुत परेशान था। यार ये इस इंसान के पास में कुछ भी नहीं है, एकदम मस्त रहता है, बिल्कुल चिंता नहीं है, अय्याशी जिंदगी जीता है, मन का फकीर तभी तो अमीर। राजा एक बार उसके पास में गए, उसके पास में देखा तो पूरा नंगा शरीर के ऊपर, कोई वस्त्र नहीं, आसपास कुछ सामान कुछ नहीं, एक बर्तन और साथ में बोले, इस कुत्ते का क्या नाम है? बोले, नाम नहीं पूछो, मेरा गुरु है। गुरु है क्यों? बोले, मैं एक बार नदी के ऊपर गया पानी पीने, बर्तन अपने साथ में लेके गया, पहले बर्तन को धोया, फिर बर्तन में पानी भरा, फिर मेरे से पीछे भागता हुआ आया कुत्ता, सीधा पानी पी के निकल गया। तो मैं, मेरे पास में बर्तन है, तभी मैं दुखी, तब से मैंने कुत्ते को अपना गुरु मान लिया, जिसके पास में कुछ नहीं होता राजा है। अब मैं सोच रहा हूँ उस बर्तन को भी फेंक दूँ। चाह मिटी, चाह गई चिंता। तो हमें सिर्फ ये करना है, वॉट एवर इज रिजल्ट, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ समय खराब होगा, सिर्फ समय खराब होगा। मैं फिर कह रहा हूं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, सिर्फ बात नहीं है, एक तरीका है, आपके समय को बचाने, जिस समय में और कर्म किया जा सकता है उसको बचाने का तरीका है।